दोस्तों हर बार की तरह स्वागत है आपका हमारे लेयर फार्मिंग चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लॉकडाउन के चलते फार्म पर फीड नहीं पहुँच रहा है, जैसे कि हर फार्मर की यही कहानी हो चुकी है कि फार्म पर फीड नहीं पहुँच रहा था, लेकिन अब लगभग सभी फार्मर के पास मेरे को लगता है कि फीड पहुंचना स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो बहुत देर हो चुकी है, जिसके कारण अभी मुर्गियां जो फीड ना मिलने के कारण सूखना स्टार्ट हो चुकी हैं और अंडे का प्रोडक्शन भी लगभग ख़त्म होने के आ चुका है, कम ही हो चुका प्रोडक्शन जो। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो फार्म पे जो फीड वगैरह फार्म फीडरों पर वो भी खाली पड़े हुए हैं और अंडों का सही दाम नहीं मिल रहा है, जैसे कि चलते बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी फ़िलहाल जो फीड हमारे फार्म पे पहुंच चुका है, लेकिन फीड को आने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम तो अभी जो बर्ड को ज़िंदा रखने के लिए 60 ग्राम के करीब फीड दे रहे थे, और जिसके कारण अभी हमारा जो एग प्रोडक्शन लगभग ज़ीरो हो चुका है। फीड तो फार्म पर आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट में जो मटेरियल लगता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमको इनको फीड कम करना पड़ा। अभी धीरे धीरे फिर जो जो कॉन्सेंट्रेट जैसे कि राइस हो गया और DOC वगैरह हो गई वो पहुंच जाएगा, तो फिर से इनको फीड देना स्टार्ट कर देंगे। पता नहीं अभी दोबारा एग प्रोडक्शन आने में कितना टाइम लग जाएगा, पता नहीं वहाँ पे जैसे हमारा 90% तक प्रोडक्शन चल रहा था, अभी दोबारा वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ये तो टाइम ही आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी चलो फीड वगैरह तो फार्म पे आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अंडा वगैरह का रेट नहीं मिल रहा। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।